हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ के द्वारा नई वैकेंसी आ रही है 2019 के लिए। इसके लिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और ट्विटर पे भी खबर दी गई है। बताया गया पीयूष गोयल के द्वारा मीडिया को कि 9000 के करीब भर्तियाँ आ रही है। नंबर ऑफ पोस्ट 9000 हैं, जिनमें 50% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। पहले से आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल की भर्ती हुई है। रेलवे की भी बम्पर भर्तियां चल रही है और ये नई भर्ती आ रही है आरपीएफ के लिए। इसमें बम्पर भर्ती लगभग 9000 पोस्ट हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो देखते हैं हिंदुस्तान में क्या इसको लेकर न्यूज छपी है। फ्राइडे 28 ऑफ जून आने की 28 जून के डेट में, आज के डेट में ये न्यूज़ छपी है। 4:58 PM शाम को ये न्यूज छपी है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2019, भारतीय रेलवे में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि रेलवे में 9000 से ज़्यादा भर्तियां निकलने वाली है। इन खाली पदों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ये भर्तियां रेलवे सुरक्षा बल RPF के तहत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर निकाली जाएगी। अब बाकी सारी आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी मार्च 2018 में रेलवे में 1,40,000 भर्तियाँ निकली थी। इस वर्ष फरवरी मार्च 2019 में रेलवे में 1,42,000 नई भर्तियां निकाली गई। यही नहीं, आने वाले वर्ष 2 वर्षों में 1,00,000 भर्तियां निकाले जाने की योजना है। 23 जनवरी 2019 को रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि रेलवे में 2.5 लाख नौकरियां निकलेंगी। रेल मंत्री ने कहा था अभी 1.5 लाख भर्तियों की परीक्षा प्रक्रिया चल रही है, 2.25 लाख से 2.5 लाख और भर्तियाँ निकालेगी। इस हिसाब से रेलवे करीब 4 लाख नौकरियाँ दे रहा है, यानी कि RPF की भर्ती आ रही है कांस्टेबल और SI सब इंस्पेक्टर के लिए लगभग 9000 पोस्ट। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसी पे ध्यान देना है, तैयारी जम के करना। देखते ANI के ट्विटर हैंडल पे किस तरह से जानकारी दी गई रेलवे मंत्रालय के द्वारा ANI को, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर रखने का काम किया। और पिछले बार जितने सारी वैकेंसी आई थी उसकी सारी जानकारियाँ ट्विटर के माध्यम से ही मिली थी, इसलिए इसे सच्चा और प्रूफ मान रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पे ही बताया गया था कि ITI हटने वाला है। ट्विटर पे ही बताया गया था कि पोस्ट बढ़ने वाली है ग्रुप डी की या फिर ALP टेक्नीशियंस की, RPF की सारी भर्तियों के बारे में ट्विटर पे जानकारी दी गई थी। तो देखते हैं ANI के ट्विटर हैंडल पे क्या न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस तरह से रेलवे के पल पल के जुड़े अपडेट के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं ANI के ट्विटर हैंडल को। ANI का ट्वीट है, आप अपने ट्विटर पे ANI को सर्च करके आप ट्विटर को में इस पोस्ट को देख भी सकते हैं। यहाँ पे ANI पे लिखा हुआ कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल 50% और ओवर 9000 वैकेंसी डेट आर कमिंग अप फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर इन द रेलवेज विल बी फॉर ओमेन फाइल पिक्चर। यहाँ पे पीयूष गोयल जी का पिक्चर है जहाँ की ANI उनसे इंटरव्यू ले रहा है। इन्होंने बताया कि 9000 वैकेंसियाँ आने वाली है जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है और ये सच्चा है कि 9000 वैकेंसी आने वाली है आने वाले समय में RPF के द्वारा। तो इसके लिए तैयारियां लगातार करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के लिए लगातार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।